हाँ जी, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। आज हम जो ट्राई करने वाले हैं मटर पनीर, इसे कोई भी बड़े आसानी से अपने घर पे बना सकता है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है आनियन, टमाटो, दो तीन हरी मिर्च, लहसुन और जिंजर। तो चलिए इसको हम चॉप कर लेते। तो हमने यहाँ पे इसको चॉप कर लिया है और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से चॉप हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे हम ले रहे हैं कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे, पहले हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कर लिया। तेल, थोड़ा तेल डालेंगे इसमें। तेल जब तक हल्का गुनगुना ना हो तब तक हम इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे। तो ये तेल लग रहा है थोड़ा थोड़ा गुनगुना हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर अच्छे से फ्राई, जब गोल्डन कलर का फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको जब तक ऑयल पे फ्राई करेंगे जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जब इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रख रखा है, आप देख सकते हो। अब ये गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होता तब तक हम इसको, ये हल्का हल्का देखो गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख सकते हो। तो अब ये गोल्डन कलर बहुत अच्छे से आ गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने प्लेट में निकाल लिया। अब जो बचा हुआ तेल है उसमें हम ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें भी गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। जब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको पेस्ट बना लेंगे। इसको जब तक इसमें गोल्डन कलर आ रहा है हम इसको चलाते हैं। इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। इसका गोल्डन कलर आ चुका है तो अब हम इसको पेस्ट बना लेंगे। चलिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है और हमने इसमें गरम मसाला भी रख रखा है। चलिए कुछ मसाले ले लेते हैं, जिसमें हमने लिया मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक। और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी सारे मसाले हैं और इन सभी को हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चला दिया, इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, तेजपत्ता। अब इसको हल्का हल्का, जब हल्का सा गरम हो जाए फिर उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है जो हमने ऑनियन को पेस्ट बनाया था फ्राई करके, वो हम डाल रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद हम अगला मसाला डाल रहे हैं। अगला मसाला हम डाल रहे हैं टमाटर जो हमने चॉप किया था। गिर जाता है, अब अगला मसाला हम डालने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको हल्का हल्का थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, मिर्च और हरी मिर्च। और सॉरी सॉरी, ये जो था ये काली मिर्च का पेस्ट था जो मैंने डाला, मैं भूल गया। और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो इसमें हमने हरी मिर्च ऐड कर दिया। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसमें हम जो मसाले ले रखे थे हम उस मसालों को ऐड करेंगे। इन मसालों को ऐड करने के बाद इसको जब तक भूनेंगे जब तक ये बढ़िया कलर नहीं छोड़ देता, और इसमें जो हमने ऑयल डाला वो जब तक ऊपर ना आ जाता है, जब तक हम इसको अच्छे से लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसको अच्छे से जो है देख सकते हो, अब ये थोड़ा हल्का हल्का गुनगुना सा हो रहा है। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, जो वो वाला पानी नहीं डाला हम जिसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल रखे थे, हम उसी में पानी रख के हल्का सा पानी ले ले रहे हैं कि जले ना, मतलब चिपके ना। टाइम तक इसको 5 मिनट ढककर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। हमने इसको देखिए अब बहुत अच्छा से पक रहा है, ये लगभग ये पक चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा चलाएँगे, आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से
मसाला पक चुका है और इसका पूरा ऑयल बाहर ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे और मटर को भी हल्का सा भून लेंगे। और हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं पनीर, जो हमने उसको फ्राई किया था वो वाला पनीर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हमने अपने मटर पनीर की रेसिपी में सभी चीज़ों को ऐड कर चुके हैं, तो अब हम इसको हल्के थोड़ी देर चलाएंगे। चलो देख सकते हो इसके मसाले बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। तो हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, हम इसको 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे। देख सकते हो ये पूरा पक चुका है, बस थोड़ा सा रह रहा है। अभी हम 2 मिनट और इसको पकाएंगे अच्छे से और अच्छे से इसको चलाएंगे भी। तो ये हमारा पनीर रेडी हो चुका है और हम इसको जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खाना चाहे, रोटी या पराठा जिसके साथ भी खाना चाहे, बहुत टेस्टी बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।